हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन्या स्टाइल में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग करना, और आज हमारी क्लास का डे 5 है। तो हम सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हो, इंची टेप को हम आधा इंच ऊपर रख लेंगे कपड़े से, और उसके बाद हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि इस पैंट का नाप थोड़ा हैवी है, तो हम 14 पे आसन रखेंगे। जैसे जैसे हम पैंट काटेंगे, वैसे वैसे आपको हम मेजर आपको बताते हुए चले जाएंगे। तो इस पैंट की लेंथ है 39 इंच है, और तो अब हमने एक 38 इंच पर एक निशान लगा लिया, और 3 इंच हम मोड़ने का मार्जिन लगा लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, अब हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया था। तो अब हमने ये सारे हमने निशान लगा लिए अपने मेजर पैंट के मेजरमेंट के हिसाब से। अब हम थाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी थाई का निशान हम मेजर करेंगे कस्टमर के हिप के अकॉर्डिंग। कस्टमर का हिप है 49 इंच पर, तो हम 49 इंच का एक चौथा हिस्से पे निशान लगाएंगे। जैसे कि 14.5 इंच 49 इंच का एक चौथा हिस्सा होता है, तो 14.5 पे हमने निशान लगा लिया है। और उसके बाद हम 2.5 इंच की इसके अंदर लूजिंग दे लेंगे। जैसे कि मैम निशान लगा रहे हैं, आपने भी इसी तरीके से निशान लगाना है। अब उसके बाद हम ये देखिए, सबसे मेन पार्ट जो होता है हमारा पैंट का, मोरी के अंदर सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ से, जैसे कि आप ये देख रहे हो, कपड़ा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से 2.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद जो हमारी शेप पट्टी है, उसकी मदद से हम एक लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, ये निशान हमने लगाया था, और एक निशान हमारा ये यहाँ पर ऐसे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक लाइन खींच लेंगे अपनी शेप पट्टी की मदद से। जैसे कि मैम खींच रही हैं, आपने भी इसी तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। अब उसके बाद हमारी पैंट की मोरी है 12 इंच, तो हम 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद हम शेप पट्टी की मदद से, अगर पतला नाप होता है कस्टमर का तो आपने कर्व ज़्यादा लेना है, अगर कस्टमर का हैवी नाप होता है तो आपने इस तरीके से कर्व कम लेना है। ये देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगाना है। अब हमने पैंट की आसन का निशान, थाई का निशान लगा लिया है, पैंट की गिदरी का निशान लगा लिया है। अब हमारी बारी आती है पैंट की कमर की। तो हम इसको साइड से कर्व नहीं करेंगे, क्योंकि साइज थोड़ा हैवी है, तो इसलिए हम अपनी लाइन यहाँ से ही शुरू करेंगे। तो पैंट की कमर है हमारी 44, तो हम आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई का, और उसके बाद 11 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और 11 इंच के निशान के बाद आधा इंच लूजिंग और देंगे, तो 11.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी पैंट की कमर का निशान लग गया है। अब अगर हम इसको प्लेट वाली पैंट बनाना चाहते हैं, तो हमने, जैसे कि हमारी ये 2.5 इंच का एक निशान है, तो इसको हम एक सीधी लाइन पर खींच लेंगे, और यहाँ पर हमारी प्लेट्स डल जाएंगी 1-1.5 इंच की, जितना भी हमारा मार्जिन इसमें बचेगा। और अगर हमने प्लेट्स नहीं डालनी है पैंट में, तो हम एक क्रॉस निशान इस लाइन पर ले लेंगे। अगर हम पैंट में प्लेट्स नहीं डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम क्रॉस कर लेंगे यहाँ कमर के निशान से, और ये हमारी थाई तक। और अगर हमें प्लेट्स डालनी है पैंट में, तो इसको हम इतना सीधी लाइन खींच लेंगे। जैसे कि ये मार्जिन हमारा 1.25 इंच का मार्जिन बच रहा है, तो इसकी हम यहाँ पर एक प्लेट्स डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक हमने निशान खींच लिया है। अब इसको हम सेंटर करेंगे जितनी हमारी कमर है, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लेट का निशान ले लेंगे। हमारा 15.5 इंच आ रहा है, तो हम 7.25 पर एक निशान लगा लेंगे, और नीचे 5 या 6 इंच की प्लेट का एक निशान ले लेंगे सीधा। निशान लगा लिया हमने प्लेट का। आप भी अगर प्लेट वाली पैंट बनाना चाहते हो, तो आप भी इसी तरीके से निशान लगा लीजिए। को हम कट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पर एक कर्व निशान लगाएंगे, ताकि आपको कटिंग करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो हमने अपनी फ्रंट काट ली थी, बैक के ऊपर हमने फ्रंट को बिछा लिया है। आपने भी इसी तरीके से बिछाना है। और फिर उसके बाद हमने ये देखिए, ये हमारी थाई का निशान यहाँ तक आ गया था, हमारी फ्रंट की नोक यहाँ पर बन रही है। अब इसके अंदर हम बैक के अंदर लूजिंग देंगे, तो हम बैक में 4 इंच की लूजिंग देंगे, जैसे कि ये हैवी नाप है। अगर नॉर्मल मिनिमम नाप होता है, अगर आपको फिटिंग देनी है तो आप 3 इंच पे निशान लगा सकते हैं, और आपको नॉर्मल हल्की लूज रखनी है तो 3.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर थोड़ा एक्स्ट्रा नाप हो तो आप 4 इंच पर एक निशान लगा लीजिए, उससे आपको और कम्फर्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद जैसे कि हमने ये निशान लगा लिया है 4 इंच पर, अब उसके बाद हम एक निशान लगा लेंगे 1.25 इंच का, जैसे कि हमने पहले ही लगा के रखा था 1.25 इंच पर निशान। अब उसके बाद जैसे कि हमारी ये लाइन आ रही है बिल्कुल सीधी, तो इससे हम 0.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे। मैम निशान लगाइए, और उसके बाद हम ये हमारा 1.25 इंच पर एक निशान लग गया। अब हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे स्केल की मदद से। ये हम इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि कई लोगों को बैक में चुन्नटें ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं, तो इस रीज़न से हम यहाँ खींच रहे हैं। अगर आपको बैक में ज़्यादा चुन्नटें चाहिए तो आप सीधी लाइन भी खींच सकते हो, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। हल्का सा हमने जैसे कि अभी ये निशान लगा लिया, हल्का सा हम इसको हम यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करके ऐसे हम सिलाई मारें तो ये अड़े ना, क्योंकि ये पल्ला कम हो जाता है ऊपर की साइड से, तो निशान लगाते हुए ये चीज़ फंसती है हमारी, ज़्यादातर लोग कंप्लेंट। और ऊपर से हमने कम से मिनिमम 4 इंच ऊपर रखना है बैक की साइड से, फ्रंट से बैक पर 4 इंच रखना, ताकि जब हमारी ये बेल्ट आए और हम जो इलास्टिक फोल्ड करें तो हमारा कपड़ा इक्वल हो जाए, ना कि छोटा बड़ा हो, उसके अंदर शिकायत आती है। तो अब इसको हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है 1.25 इंच पर। अब ये हमारी थाई का निशान है, अब बैक की गिदरी का एक निशान लगा लें। जैसे कि हमारी पैंट ये नीचे मोरी की साइड है, तो हम यहाँ पर एक 1.25 इंच या 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, 2 इंच ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम शेप पट्टी की मदद से एक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया हमारी पैंट, अगर आप बिल्कुल बिना कपड़ा छोड़े पैंट काटना चाहते हो तो आप इस निशान पे आप पैंट काटोगे तो आपकी बिल्कुल कंफर्टेबल पैंट बनेगी। अदरवाइज लूजिंग के लिए कपड़ा लेना चाहते हो तो आप 2-2 इंच का मार्जिन ले सकते हो, ताकि आपके भविष्य में पैंट अगर टाइट हो जाती है तो आप थोड़ी थोड़ी इसको खोल सकते हो। तो अब इसको हम कट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये पैंट कट चुकी है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली और जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं उन सबको हमारी वीडियो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।